सारा ड्रम भी नकली डालना पड़ रहा है। क्या कर रहा है इसमें गीश वाला, एक गीश। थैंक यू फॉर 3 मिलियन, थैंक यू। यकीन नहीं हो रहा है 30 लाख लोग जमा हो गए मेरा थोबड़ा देखने के लिए। थैंक यू यार, अभी ज्यादा क्लीशे नहीं बनूंगा लेकिन जो भी है सब तुम लोग की वजह से है। तो थकीश भाई आपके प्ले बटन हमको दे दो। नहीं, ये ज्यादा लाड में नहीं आने का। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है शर्म कर लो, शाम तक 4 मिलियन हो जाने चाहिए। मुझे पता है तुम लोग क्यों फॉलो नहीं करते। इन लोगों को मुझसे प्यार ना हो जाए इसलिए मुझे फॉलो नहीं करते ना। वेलकम टू 3rd एपिसोड ऑफ रील रिव्यू, जहां हम रिव्यू करते हैं इंस्टाग्राम रील्स। पिछला वीडियो हमने बनाया था हार्ड टू कैच वाली लड़की पे, देखते हैं कुछ सुधार आया कि नहीं इसमें। इसको देखिए, इनको लगता है इनका बाबू इनसे शादी करेगा। जोर का झटका है जोरों से। इसका ना खुद का सेटिंग नहीं हुआ है तो दूसरों का भी सेटिंग बिगाड़ रही है अभी। अरे तुमको कैसे मालूम, मैं भी वो शादी कर लेता। और ये लड़की भी अजीब है, इसने बोला तो छोड़ दिया। इसको मेरे को ये जोन में जाने का है। पिछला वीडियो बनाने के बाद मेरे को 2 घंटा खून की उल्टियां हुई थी। नो मेरे को लगता है इससे इलॉजिकल चीज को इंस्टाग्राम पे। ये कौन सी उर्फी जावेद है, बार बार निकलना दीदी, इलाके के कुत्ते रुके हुए, कभी चिप्स की दुकान बाहर आएगी। एक तो इतनी हवा पर्यावरण में नहीं जितनी आपने पहन के रखी है, समझा जोक, ये बिग ब्रेन जोक। ये दीदी ने अपने इंस्टाग्राम बायो में फैशन डिजाइनर लिख के रखा है और बनाती ये सब है। इसके अलावा और एक रील्स बहुत वायरल होती है, तुम लोग ने देखा होगा, क्रिकेट वाली रील्स मारती है ना ये, किधर से भी शॉट। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी के अग बन गया। मैंने अपने पूरे करियर में तुझसे बेहतर बैट्समैन नहीं देखा, तेरी जगह तो टीम इंडिया में थी। तू कितनी भी कोशिश कर लो अब कुछ नहीं होने वाला। पिच में थोड़ी ज्यादा नमी नहीं है, बाकी सब सही है, थोड़ी गीली लग रही है पिच मेरे को। बॉलर किधर है भाई, बॉलर इज लाइक हाउ आर यू, आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी, हियर टू मच रेनिंग। बॉलर उधर मछलियों के साथ क्रिकेट खेल रहा है, गजब एक्सपेरिमेंट है। अब भाई तुम लोग ने यूट्यूब पे तो एक्सपेरिमेंट वीडियोस देखे ही होंगे, ऐसे ही इंस्टाग्राम पर भी एक्सपेरिमेंट पेजेस है, नाम है यश के एक्सपेरिमेंट। ये हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। क्यों? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस बताओ क्यों, बाकी सब पता नहीं साला कार को डायबिटीज हो जाएगा। You need to stop everything. एक्सपेरिमेंट के नाम पे धूप में चॉकलेट पिघला रहे, मैं क्या बोलता बताए, दुकान डाल ले। गुजराती ब्रेन गलती से कहीं घाटकोपर में गाड़ी खड़ी कर दी और बच्चों के नजर में आ गई ना। घाटकोपर छोड़ो, घाटकोपर के आगे एक स्टेशन आता है कुरला, वहाँ पे खड़ी कर दी ना, चॉकलेट के साथ गाड़ी का एक एक पार्ट भी लेके जाएंगे। लोग को ना क्लियरली देख के मालूम पड़े, लोग काम वाले लोग नहीं है, लोग फ्री बैठे एकदम। मेरे को मालूम है जॉब हंट एक बहुत बोरिंग प्रोसेस है, लेकिन अगर मैं बोलूँ आप एक फ्री टेस्ट दे के अपने हिसाब का जॉब ले सकते हो घर बैठ के। अभी आपको ये रैंडम प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट लग रहा होगा, बट ये इंपॉर्टेंट है, सुनो। ऐसे ही जॉब सार्थक, निशा, शुभम और बहुत से कैंडिडेट्स ने लिए, ये रीलेवल बाय अनअकैडमी के स्टूडेंट्स है। सबकी अपनी स्टोरीज है। निशा ने 10 साल के गैप के बाद अपना करियर बिजनेस डेवलपमेंट में स्टार्ट किया रीलेवल के जरिए। सार्थक ने कॉमर्स में पढ़ाई करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना जॉब चूज किया रीलेवल के थ्रू। शुभम भाई ने यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए ब्रेक लिया था और फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट से अपना करियर रीस्टार्ट किया। रीलेवल टेस्ट देखिए, मतलब सिर्फ एक टेस्ट और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज। अभी आप फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आपको अपने करियर को सही ट्रैक पे लाना है तो रीलेवल आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और इतना ही नहीं, लास्ट मंथ रीलेवल अलोन ने डिलीवर किए 36 लाख वर्थ के जॉब, जो भी एवरी डे स्विगी, ओला, अपग्रेड जैसी 200+ कंपनीज हायर करती है रीलेवल से। और सबके लिए आप एलिजिबल हो इंडिया में कहीं से भी। और जैसा मैंने बोला था, प्लेस कैंडिडेट्स को गुडीज मिलती है रीलेवल की तरफ से। इनमें से हर मंथ टॉप 3 कैंडिडेट्स को मैकबुक, आईफोन, एप्पल वॉच जैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं प्राइजेस में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपके करियर का स्टार्ट आपके पूरे करियर की जर्नी डिसाइड करता है। अगर आप भी इंडिया की टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में अपनी पसंद का जॉब करना चाहते हैं तो आज ही रीलेवल पे साइन करो। ना डिग्री, ना कोई एक्सपीरियंस, बस स्किल्स पे। गो चेकआउट लिंक डिस्क्रिप्शन में।
प्यार तो मेरे को भी पता नहीं क्यों होता है, लेकिन जलन जरूर होती है, पीछे वाले को देख के लग रहा है। साला बुढ़ाऊ 70 की उम्र में लुगाई ले आया, इधर 30 का हो गया लड़कियां उम्र में बड़ा बोल के शादी नहीं करती। साले को बम से उड़ा दूंगा। ये अंकल का इंस्टाग्राम मस्त है। जो बीत गया है वो अब दौड़ना आएगा, जो बीत गया है वो। चाचा दौर बीत गया है, ऐसे करोगे ना कुछ दिन में आप भी बीत जाओगे। रात को किसी ने आपको ऐसे पेड़ पे देख लिया, भूत समझ के वो भी बीत जाएगा। जो बीत गया है अब दौड़ना आएगा, जो भी। भाई आज हम कंटेंट के किस क्षेत्र में आ गए कि एनर्जी देख के लग रहा है रणवीर सिंह 40 साल बाद ऐसा ही होगा। टॉक मत जाओ चाचा, सिर्फ दिख रहे मोदी जी जैसे, काम उल्टे ही है। अरे जींस वाली जान, अरे सूट वाली जान, अरे साड़ी वाली जान। एनीवेज गाइस, हम इंस्टाग्राम के बहुत अजीब कोने पे पहुंच गए, निकलते इधर से फ्रेश देखते हैं कुछ मजे। कल गया सफर पे तो रुका नहीं, मैं उस बाप की औलाद हूँ जो कभी झुका नहीं। क्यों तेरा पप्पा पुष्पा है क्या? अच्छा था जो अच्छा था। हथियारों की जरूरत नहीं, नजरों से किल करेंगे, छोटी सी जिंदगी है जनाब, हम तो चिल करेंगे। नजरों से किल करेंगे, सुपरमैन है क्या? ना पहले भागा था ना आज पीछे भागूंगा कारों के, ना पहले भागा था ना आज पीछे भागूंगा कारों के, लेकिन जिसने मजाक उड़ाया था तरक्की तो नहीं करूंगा, तोते उड़ा दूंगा सड़ोगे। अभी तो बोल रहा था चिल करेंगे, अब मेहनत करेंगे। एक बात पे रुक जा, तुझे क्यों है इतनी घाई? गुटका खा खा के दांत सड़ गए, पहले वो ठीक करा ले भाई। उड़ती उड़ती शहर से एक और खबर आई है, अब की बार आग लगाने वाला एक लौता भाई है। जब दरवाजे के पीछे कैरेक्टर में थकेश कैरेक्टर में, जब दरवाजे के पीछे भूत हो तो ताला नहीं खोलते, हीरे की जो कीमत होती है पनवाड़ी नहीं तोलते, ऐसे सेम तरह से हाथ हिला के डायलॉग बोलने को एक्टिंग नहीं बोलते। रॉयल स्टाइल में रॉयल पर्सनालिटी। उड़ती उड़ती शहर से एक और खबर आई है, उड़ती उड़ती स्कूल से खबर आई है, उड़ते उड़ते मामा कैसे खबर आ रही है, उड़ते उड़ते गांव से खबर आई है। ए चुप करे मैनेजर, इतनी खबरें आ रही है उड़ती उड़ती भाई। सुबह के सारे फूल खिल गए, पंछी अपने सफर पर उड़ गए, सूरज आते ही सारे तारे छुप गए, क्या आप अपनी मीठी नींद से उठ गए? गुड मॉर्निंग, उठ जाइए सुबह हो गई है। हाँ उड़ गया था नींद से, लेकिन ये देखने का ऐसे लग रहा है वापस सो जाओ। बहुत देख लिया भाई जीवन में, आज बहुत सुन लिया, जा रहा हूँ सोने। भाई साहब ये लाइटिंग अच्छा लग रहा है ना ना। उड़ती उड़ती शहर से खबर आई है, नाग नागिन दोनों भाई है। भाई लेकिन ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है, तुम लोग देख रहे हो? एक मेरे को लग रहा है व्हाइट कुर्ते वाला अंकल है ना, इसको मालूम भी नहीं है क्या होने वाला है मेरे साथ, इसको किसी ने बोल दिया अंकल बैठो आपका मस्त वीडियो बनेगा, इसको छोड़ो ये येलो कुर्ते वाले के एक्सप्रेशन देखो। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। इसके एक्सप्रेशन को एडिट करके एकता का पूरे एक एपिसोड बना दे। ₹300 के अंदर ही होटल मिल रही है। होटल की झाड़ियों में नहीं रहना, मैं बताऊँ 300 के अंदर गोवा में कैसे रहने का? 300 की दारू खरीद के पी लो, फिर तो गटर में भी सो गए ना, वो भी होटल लगेगा। अरे एक तो 300 का बजट लेके गोवा कौन जा रहा है? ट्रेन वेन से जा रहे हो कि चल के जा रहे हो भाई? When someone say I am boring, let me. मुझे भी जब कोई बोरिंग बोलता है ना, मैं ये करने लगता हूँ, लाइटें चेंज कर देता हूँ, मैं तो लाइटें चेंज होनी चाहिए, फिर आप एकदम इंटरेस्टिंग हो जाओगे। सारा जब किसी को लग रहा है कि तुम बोरिंग हो तो ऐसी हरकत कर दो कि उसको शब्द यकीन में बदल जाए कि हाँ ये बोरिंग है साला।
रुक जा, नहीं तेरे बच्चों को जान से मार डालूंगी। चल तेरे पास जितना पैसा जल्दी से निकाल के दे दे। अरे भाई साहब हमें मारिए मत, मैं दे रहा हूँ पैसे, ये लीजिए। चल दे इधर। ये बच्चे तेरे पास क्या है? अरे तू बिना इस बच्चे से क्या पूछ रही, इसके पास क्या होगा? नहीं मैडम जी, मेरे पास भी पैसे। अरे बच्चे पैसे तुम हमें क्यों दे दिए? चाहे पैसे तुम झूठ बोल के अपने पास छिपा सकते थे। नहीं मैडम जी, मेरे अंकल जी झूठ बोलना नहीं सिखाए। सॉरी भाई साहब, अपने पैसे ले लीजिए, हमें माफ कर दीजिए। जाइए आप भाई साहब। बच्चे के पास 2000 का नोट कहाँ से आया? दूसरी बात, साले को 1 किलोमीटर दूर से दिख रहा है, दो लोग मास्क पहन के ये सब लेके खड़े, साइड से मोड़ लेता। बट नो, आई वॉन्ट प्रॉब्लम, आई डोंट वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट प्रॉब्लम्स ऑलवेज। तीसरा, अगर कोई ऐसा मास्क पहने तुमको सड़क पे दिखे ना, तो बोल दो भाई जल्दी जाओ, बर्थडे पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन जब दुनिया से खाली हाथ ही जाना है, इतना माथा पाथे करने की क्या जरूरत है? हालांकि तो कोई गुंडा ऐसा मास्क पहन के आया ना, मैं तो हंस दूं मुंह पे। आग लगा दी मैंने उस किताब को जिसमें लिखा था कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो मिलती जरूर है। हो गया, टिकटॉक बन गया, गाड़ी की 7वीं सीट में बैठ के चुपचाप घर पे जाके होमवर्क करने का। मोहब्बत की किताबें चला रहे साला, हमारा तो मतलब तारक मेहता का एपिसोड मिस हो गया तो दिल टूट जाता था। जैसे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमारा हार्ट ब्रेक होता है। आई थिंक इस रियल रिव्यू एपिसोड का इतना ही है। डी वाली लड़की पे वीडियो बनाया था एक डेडिकेटेड, नहीं देखा तो जाके देख लो। एंड डोंट फॉरगेट टू साइन अप फॉर रीलेवल, इंडिया की टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, इसमें अपनी पसंद का जॉब कर सकते हो। डिग्री चाहिए ना, एक्सपीरियंस सिर्फ स्किल्स, चेक करो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए पीस।